बहुत ही एक स्पेशल डिश और मेरा फेवरेट है, जो कि बहुत दिन से प्लान कर रहा था। अब क्या है कि इधर आप लोगों को पता ही है गल्फ में फ्रोजन फिश मिलता है, तो मैं बहुत एक कुछ दिनों से लाके फ्रोजन फिश रखा था, लेकिन रमजान में मेरे को बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। फिर भी मैं सोचा कि क्या बनाऊं, तो झटपट एकदम मस्त फटाफट 45 मिनट से भी कम समय में, 40 मिनट भी कम लगा मुझे बनाने में। आप लोग इस रेसिपी को देखिए, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने क्या बनाया है गाइस, दिख रहा है आप लोग को? नहीं दिख रहा तो रुकिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो ये जो रेसिपी है ये है फिश करी, जो कि मेरा नॉर्थ इंडियन स्पेशल फिश करी है। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे खास तौर पे, और जिस मेथड से मैंने बनाया है आप लोग खुद देखिए, कलर देखिए। शहरी फिश यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है तो वही मैं बनाता हूँ। रोहू भी बनता है, रोहू भी बना, लेकिन मैक्सिमम फ्रोजन फिश मिलता है तो थोड़ा मैं फिश को अवॉइड ही करता हूँ, वैसे मेरे को फिश अच्छा ही लगता है। तो गाइस आप लोग इस रेसिपी को देखिए, अच्छा लगे तो एक लाइक करना और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना। गाइज़ हमने फिश को थोड़ा सा मैरिनेट करके रखा था, जो कि हल्दी और लाल मिर्च में और थोड़ा सा नमक डाला था, उसको अच्छे से वॉश करके मैरिनेट करके रखा। सबसे पहले हम फिश को फ्राई कर लेंगे गाइज, और फ्राई भी एकदम अच्छे से ऑयल को गर्म करने के बाद से, जो गैस का फ्लेम है वो एकदम लो कर देंगे, लो टू मीडियम कुक में हम इसको फ्राई करेंगे अच्छे से। देखिए एक तरफ जब आपका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो आप इसको पलट के दूसरी तरफ से आप फ्राई करिए, और थोड़ा सा फ्राई होने के बाद से थोड़ा सा आप गैस का फ्लेम बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप इसको मीडियम ही फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, तो आपका जो मच्छी है ना वो बहुत ही अच्छा फ्राई हो जाएगा, कुक हो जाएगा। जो कि हमारे नॉर्थ इंडिया में ऐसे ही हम पहले फ़िश को फ्राई करते हैं और उसके बाद से ग्रेवी अलग से रेडी करके फिर उसको हम बनाते हैं। तो देखिए कितना ज़बरदस्त, कितना अच्छा गोल्डन हमारा फ़िश हो गया, कि गोल्डन फ्राई हो गया है और नीचे का हिस्सा पक गया। इसको पलटी करके ऐसे पूरा हम फ्राई कर लेंगे गाइस। तो उसके बाद से हम इसको फ्राई करने के बाद से फिर हम मसाला रेडी करेंगे, जो कि मैंने मसाला ऑलरेडी बना के रखा है, आपको भी वो दिखा देता हूँ। तो हमने पैन लिया, पैन में डाल दिए थोड़ा सा ऑयल, कुकिंग ऑयल। अब मस्टर्ड ऑयल होगा तो मस्टर्ड ऑयल में भी बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा गाइस ये रेसिपी। तो मेथी दाने से हम थोड़ा सा मेथी दाने को उसमें चटका देंगे, मेथी दाने से एक अपना इसका अलग ही फ्लेवर आता है। तो ये हमारा मसाला है, जो कि नॉर्थ इंडिया में यही मसाला हम लोग यूज़ करते हैं। इस मसाले में एक मीडियम साइज़ का प्याज है और दो टमाटर है, और दो गाइस एक बड़ा साइज़ का टमाटर था, अगर छोटा साइज़ का है तो दो डाल सकते हैं, और अदरक लहसुन हरी मिर्च लाल मिर्च और एक चम्मच अगर पीली सरसों है तो पीली सरसों, नहीं तो अगर ब्लैक वाली सरसों है तो ब्लैक वाली सरसों भी आप डाल सकते हैं। तो ब्लैक वाली एक चम्मच से थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि थोड़ा कड़वा ज़्यादा होता है। और मेरा मानना है, मुझे जो अभी तक सिखाया गया है फ़िश में, जैसे मेरे घर में बनता है, मैंने देखा भी हूँ, कि मसाला जब तक आपका फ़िश का अच्छे से भुन ना ले, तेल ऊपर ना आ जाए ना गाइस, तब तक आपका फ़िश का मसाला अच्छे से रेडी नहीं होगा। तो इसको हम अब मसाला डालेंगे, जो नमक डाल दिए हैं, साथ में डालेंगे हम धनिया पाउडर एक चम्मच के करीब, जीरा पाउडर, ये है लाल मिर्च पाउडर, जो कि लाल मिर्च पाउडर है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, सबसे आखिर में डालेंगे हम जीरा पाउडर और धनिया पाउडर। उसके बाद से हल्दी डाल दिए, सबसे पहले नमक डाले थे गाइस। तो सारे मसालों को डालने के बाद से अब इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे, अच्छे से भूनेंगे मसालों को, एकदम मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। देखिए ये अभी इसमें चटक रहा है, ये फिर भी मसाला इस, क्योंकि ये सरसों का मसाला है, तो सरसों का मसाला कभी भी आप जब फ्राई करते हो ना तो वो चटकता है, वो उछलता है, बाहर निकलता है मतलब पैन से, कढ़ाई से। तो माशाल्लाह देखिए दोस्तों कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है गाइस। तो ये गल्फ़ की खूबी कि आपको जो भी कुछ नहीं बनाना होता है तो आप यहाँ पे आके बनाना सीख लेते हो। तो खैर मैं तो बहुत कुछ बनाना सीख लिया गल्फ़ में, और यही है गल्फ़ की लाइफ, गल्फ़ का स्ट्रगल। पैसा ही नहीं है, बहुत कुछ हम लोग यहाँ पे सीखते हैं, पैसा तो कमाते ही है लेकिन साथ में और भी कुछ सीखने मिल जाता है। जो इंसान गल्फ़ में रहना सीख लिया ना, जो एब्रॉड में चाहे गल्फ में, मतलब अपनी फैमिली को छोड़ के जो जिधर रहना सीख लिया वो मतलब कहीं भी रह सकता है। तो गाइस देखिए अभी भी थोड़ा सा अभी मसाला डाल के हुआ, तो अब इसको और हम भूनेंगे अच्छे से, ये थोड़ा सा और लटपट करेंगे, मतलब एकदम मसाला हमारा, मतलब खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त आ रहा है,
इसमें नो डाउट है। अगर आप लोग को यकीन नहीं है तो एक बार आप ज़रूर इस मेथड से बना के देखना, फिर आप कहना। मसाला इसमें ज़्यादा नहीं है, बस सरसों के मसाले में इस रेसिपी को मैं बनाता हूँ, मच्छी बनाता हूँ, क्योंकि एक नॉर्थ इंडियन बिहारी स्टाइल है, बिहार, नॉर्थ बंगाल, झारखंड सब जगह ऐसे ही बनता है। बस थोड़ा सा वो फ्रेश मच्छी रहता है तो उसका थोड़ा और जायका बढ़ जाता है। तो अभी देखिए इतना भूनने के बाद से अब इसमें मैंने पानी डाला है। पानी क्यों डाला है, क्योंकि अभी मच्छी भी डालना है, तो पानी डाल दिए हम लोग 1 कप के करीब में, क्योंकि 1 कप में थोड़ा सा इसको बॉईल करने के बाद मच्छी जब डालेंगे ना गाइस, जो फ्राई मच्छी है, वो मच्छी फूलेगा पानी में जाके, तो इसीलिए थोड़ा सा पानी ज़्यादा ही डालेंगे। और फिर नमक भी चेक कर लेंगे यहाँ पे, मेरा तो नमक परफेक्ट ही रहता है, कभी भी मैं कोई भी कुकिंग करता हूँ दोबारा नमक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी इसको ढक के इसको बॉईल कर लेंगे थोड़ा सा, जब ये हाफ बॉईल हो जाएगा तो इसमें अब मच्छी डाल देंगे हम लोग। मच्छी मैंने 700 ग्राम के करीब में एक शहरी फिश लेके आया था, अब ये मत पूछना कब लेके आया था, लेकिन हाल आया था। मच्छी भी फ्रीज़र में था तो ठीक ही है, अभी खाने पे पता चलेगा कि इसका क्या टेस्ट है। बट लेकिन इसीलिए मैं मच्छी ज़्यादा नहीं खाता हूँ यहाँ पे, इंडिया में फ्रेश मच्छी बहुत खाता हूँ, और साथ ख़ास तौर पर फ्राई और सालन वाला बहुत मज़ा आता है, बारबेक्यू करके भी खाने में बहुत मज़ा आता है। तो गाइज़ ये देखिए, अभी इसको हम ढक देंगे मीडियम फ्लेम करके, और अभी मैं धनिया का पत्ते का छिड़काव कर दूंगा इसके ऊपर, जो और टेस्टी और मतलब लुक इसका निखार देता है। देखिए आप कितना ज़बरदस्त दिखने लगा, और धनिया के पत्ते से टेस्ट भी निखर के आता है, थोड़ा खुशबू भी अच्छा आता है। तो आप देख लीजिए फाइनल लुक कैसा है मेरी रेसिपी का। सो गाइस देखिए कैसा लग रहा है आप लोग को ये रेसिपी, देखिए आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये मैंने बनाया है बहुत ही कम समय में बनाया है, क्योंकि आज मेरा इफ्तारी का दावत था मेरे दोस्त के पास, वो आप लोग देखे होंगे मेरी वीडियो में, जो सिवान का रहने वाला है आलम, उसके रूम में मुझे दावत दिया था उसने।